खबर नई दिल्ली से है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे से ये रैली शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की रैली है और इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली को लेकर जहां तक बात है सुरक्षा व्यवस्था की, चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है और इस रैली को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कड़ी मेहनत की जा रही है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया गया है, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और वहीं सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए, इसी के मद्देनजर पुलिस काम कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर रैली होनी है उसके चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह 11:30 बजे से ये रैली शुरू हो रही है। दिल्ली में पीएम मोदी की धन्यवाद रैली है और जिस तरह से ये रैली है और जो फिलहाल माहौल चल रहा है, सीएए का लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा था और एक तरफ आज ये रैली है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसी खबर पर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, रुक करेंगे अनिल मोर का। अनिल मोर, जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली है, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आरती, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से बिगुल बजा देंगे। आज बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। इस रैली के जरिए दिल्ली बीजेपी अपना चुनावी बिगुल बजा देगी और इस रैली को जो करने का मकसद यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में अवैध कॉलोनियां एक बड़ा मुद्दा होती है और राष्ट्रीय राजधानी की अगर बात करें, 1724 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया, तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से पूरा का पूरा क्रेडिट ये केंद्र सरकार को दिया गया, तो ऐसे में इस रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया। रैली का समय तकरीबन 11 बजे का रखा गया, थोड़ी देर बाद रैली शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं कई मायनों में रैली अहम है। कई दिन पहले कांग्रेस की आपने रैली देखी जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया और आज बीजेपी रैली करे, तो ऐसे में बीजेपी ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर फिलहाल के अगर जो माहौल की बात करें, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है देश भर में, कई राजनीतिक कई जाने के लिए बीच आज कैसी है, लेकिन उस रैली में प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष को लेकर क्या बातें चल जाती है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या बातें कहते हैं, जी काफी अहम ये रैली हो जाती है। फिलहाल जो माहौल चल रहा है सीएए को लेकर, लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और अब पीएम संबोधित कर रहे हैं इस रैली को, तो इस मौके के लिहाज से क्या लगता है रैली कैसी रह सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज पीएम मोदी की रैली है और इस रैली को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। एक तरह से बीजेपी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंकने वाली है।